सात बुआरी लेकिन उन्हें संतान कोई नहीं सी बल। अब वो बहुत परेशान छी राज की मैं कहाँ जहाँ कहाँ की करूँ कहाँ बैठी मैं एक संतान हो लमा घर में कि विधि लोल गया एक पंडिता के पास ज्ञान बल ओ बोला ओ बोला। अब वो पंडित जी के दरबार में गया पंडित जी को आप आज के काम है ला रहे हम घर में बल हो बोला उन्हें को मेरे सात चल सन सात पैर सन और उन्हें कोई ले संतान ना हाँ कि कोई ऐसी विधि बताओ जो मेरे घर में संतान है जब अब पंडित जी को पूछे तो तुम्हारे संतान से तुम्हारे किस्मत में लेकिन बहुत कठिन तपस्या तुम्हारे घर में संतान मिली मैं एक बार तो बताऊँ तुम्हें अब उन्हें को बोल तुम बताओ मैं बैरेंस है कौन और वो कराल बरत जे विधि बताओ मैं बल अब उन्हें को यो से एक गौरा महेश्वर पूछ दूरभाष्ट भी बरत एक तुम्हें मैं पहन सो बल अब उन्हें को तुम पंचमी दिन तुम घर जाओ वो बैरेंस है पंचमी दिन बिरुड़ पांच चीज जैसे ये हो गया मतलब शुद्ध अनाज जो हो पांच चीज मिलावे आप सात चीज मिलावे तुम पंचमी दिन विजयावल बोला पहले लिपिया घेंसिया चारों कोण में दीज गया और इवाद तुम बिरुड़ विजयावल बोला। अब वो घर आए उन्हें सबने ठुल बुआर बोलाए बड़भाट राजे उनको बुआरी बुआर यहाँ मैं एक बर्त सोड़ भी आ रही हूँ और ये तो सुन ली बल बोला वो गए उनको बारी बार पहली भीतर ली चार गुण में दी जगह और फिर बिरुड़ अब दे जगह से मिला गई बिरुड़ लो और भिजो बल वो बोला अब बारी लिपी खेसी चार गुण में दी जगह बिरुड़ ले इतखत का भी मांग लावे मतलब मिल भी करने भाई वहाँ पटे लिए मांग वहाँ पटे लिए मांग मिक्स करे मतलब ये प्रेम भाव जिसमें हो जाता है प्रेम भाव है वो बिरुड़ भिजाएबल हो बोला अभी लिप खेस चारों तरफ दी जगह बाद में बिरुड़ भिजोड़ बखर एक गुच्छ चाहिए बल बोला बिल्कुल बुआरी बुआर तू बुआर सपड़ गया है अब दूसरी बार आओ फिर दूसरी बार बोला बुआरी बुआरी एक तो था सपड़ता है क्यों न करे अब तू कर लिप गए चारों कुंड में दी जगह और ये बिरुड़ भिजा बल बोला अब बुआर ले आए भी लिप गए चारों को मैं दी जगह फिर बिरु भिजोन भाई ए चाख ले बल हो बोला फिर तस्के तीसर बार बोला पीले सब लिप गए सब चीज कर भी दी जगह ए चाख ले बल हो बोला इसके चौथ बार ले आए पीले लिप गए चारों को मैं दी जगह ए भिजोन भाई चाख ले बल हो बोला इसके फिर पचु बार आए पीले लिप गए दी जगह फिर उन भिजोन भाई एक चाख ले बल हो बोला उसके छठे कसे गए चारों को दी जगह फिर अब छह बुआरी तो छपड़ गया अब जो सतु बुआर है वो गुआड़ में बलू बोरना गुआव है वो लाइट जैसे मतलब सीध साइड में और वहाँ वो बोरना गुआव लगाए हुए बल हो जाए अब वहाँ गया बलू अब वो डर गया बल आज की लाइन में सौरिया वो कभी मैं खबर नहीं करी आज की लाइन डर गया बल वो बोला उन्होंने बुआरी बुआर डर नहीं एक संतान होने वाले वो व्रत कुछ ला रहे पंडित जी से कुछ छत छपड़ गया अब तू कर घर बोला लाई बल हो बोला अब ही रहते नाई धोई चारों कुंड में लिप गए चारों कुंड में दिज गए पहले अपन जीवर डाम ले बल हो बोला फिर बिरुड़ इधर सब देने लिखने में मांग लो बिरुड़ भी जाए बल हो बोला अब बिरुड़ भी जाए साल भर में भी संतान होने वाले हो गए संतान होने वाले हो गए अब जब संतान पेट में होने गए सब नौ सूख गया सब खेत मतलब सुख जस पड़ गया घर में ढिंडाल लिपे मतलब परेशानी जस बहुत है बल बोला अब उन्हें तो परेशानी है क्या लेकिन ये बच्चे है क्या बोला जब ये बच्चे पैदा हुए तो ग्रेजुएशन का बच्चे है क्या उन्हें को बोल क्या रहे सिलवाड़ पे था या मतलब कोई शब्द बता देगी यो हरियाणा बल हो बोला न तेरी बीमार है को बल तुम बात जबल तेरी बीमार है बल बोला अब उसी का क्वार दिन बैठी अपन इजे खबर कर रही बात है कबल अब ये जल गोल बुआरी चली चल तू तस्के किला से तैयार तो भाव अरे हम जब वहीं बैठे थे से तैयार वहाँ तू किला ऐसा बड़ मुश्किल तुम्हारे घर में संतान रहे तू यहाँ किला ऐसा बल वो बोला अब मिल बोल तो तुरंत अब उन सौराशी जबल केन केन तो मैं के रात से कि तेरे बच्चे पता के कर सकते वो बोला अब मतलब मैं घर के सब ना राग तू को तो सरसों को नहीं जया और पछिल का चाने जगह जया जब सरसों हरे होते रहो तेरे बच्चे जिंदा बल बोला अब आज सरसों बोनी गए पछिल का चाने गए वो हरी होते रहो अब आते आते वो नौ में पूजी
आ बिल्कुल 9 बजे इजा जब तू 9 बजे जाली तू ऊपर छात देबे जे बहुत दूध पे वाली तब 9 बजे को छात धड़ी गवल गवल गाव हाथ आ दे बहुत भल वो बोल का तेरे का नहीं बोल 9 बजे छात भेंगी छात छात देने में पार में गाव हाथ किसी भी घर में सुख शांति सब संबंध सब चीज हिंदू आ गया वाह वाह और हिंदू ना अपने अपना दुबड़ा पहले नमस्कार